चार विधानसभा में उपचुनाव है जिसको लेकर के बिहार की सियासी सरगर्मी तेज है और देखिए ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और विकास के कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार विकास के कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं। और इसी क्रम में आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से निकल करके सीधे सुपौल के लिए रवाना हो गए हैं। सबसे पहले वो तस्वीर देखिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार की, जहां पे सीएम नीतीश कुमार सुपौल के लिए रवाना हो गए हैं और साथ ही साथ जिस तरीका से उपचुनाव है और आने वाले दिनों में विधानसभा का भी चुनाव है उसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार लगातार अपने कामों पर फोकस कर रहे हैं और इसी काम के सहारे 25 में भी वोट मांगेंगे और इसी के सहारे जो चार विधानसभा में उपचुनाव है उसमें भी जाकर के लोगों से अपील करेंगे और जनता से अपील करेंगे कि जी जो कार्य बिहार में हो रहा है विकास के कार्य खास करके उस पर जो है वो चर्चाएं करेंगे, क्योंकि लगातार जब चुनाव आता है तो सीएम नीतीश कुमार अपने कार्यों को गिनाते हैं और कहते हैं कि अगर सीएम नीतीश कुमार ने काम किया है तो इस पर वोट कीजिए। देखिए एक तरफ उपचुनाव को लेकर के जहां इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है, जनसुराज भी मैदान में है और एमआईएम पार्टी भी मैदान में अपने कैंडिडेटों को उतार दी है। तो ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने पूरी तरीका से प्लान तैयार कर लिया है और देखिए सुपौल के लिए रवाना हो गए, जहाँ पर कई कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। वहाँ पे आरओबी बनाया गया है, यानी रेलवे ओवर ब्रिज बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन और शिलान्यास करने का काम करेंगे। तो ऐसे में देखिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार सुपौल के लिए रवाना हो गए हैं, जहाँ पे कई कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करना है। दलित टोला में भी जाएंगे, वहाँ पे लाभुक जो है उनको भी वितरण करने का काम करेंगे। कई कार्य करने जा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार और इसी कार्य के सहारे सीएम नीतीश कुमार आने वाले चुनाव में और उपचुनाव में भी, जिस तरीका से चुनाव है 13 नवंबर को चुनाव होना है उससे पहले तमाम पार्टी एक्टिव हो गई है और एनडीए खास करके पूरी तरीका से कमर कसी हुई है। इससे पहले आपने देखा कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई और बिगुल बजा उसके बाद एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई गई थी जहां पे तमाम एनडीए के नेता पहुंचे हुए थे। सीएम नीतीश कुमार ने भी 28 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक बुलाई है, लेकिन उससे पहले देखिए सीएम नीतीश कुमार विकास के कार्यों को लेकर के काफ़ी एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं और इसी क्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार सुपौल के लिए रवाना हो गए हैं। वहां पे जा करके कई कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी काम करेंगे। कई ऐसे कार्य है जिसको अधिकारी को देंगे, जो कार्य पूरा नहीं हुआ है उसे जल्द से जल्द करने का, क्योंकि उपचुनाव में भी लाभ पहुँचेगा और विधानसभा में खास करके जनता को कहेंगे उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसे में सीएम नीतीश कुमार लगातार अपने कार्यों पे फोकस कर रहे हैं और लगातार अपने काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और विकास की कार्य को गति देने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज सुपौल के लिए रवाना हो गए हैं और वहाँ पर जा करके कई कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।